नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ गुरुवार को पेगासस घोटाले की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और दूसरे लोगों की इजरायली स्पाईवेयर के जरिए जासूसी करवाई गई है। ये याचिका वरिष्ठ पत्रकार एन राम, CPM नेता जॉन ब्रिटास और अधिवक्ता ML शर्मा ने दायर की है। दायर याचिकाओं में शीर्ष अदालत से सरकार को ये बताने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि क्या उसने स्पाईवेयर के लिए लाइसेंस हासिल किया है या इसका इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की निगरानी के लिए किया है या नहीं। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब के जरिए फॉरेंसिक जांच विश्लेषण में पाया गया है कि संभावित टारगेट के रूप में सूचीबद्ध लोगों के फोन की निगरानी की गई है और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया है। शुक्रवार को सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पेगासस मामले को मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के संज्ञान में लाया था। सिब्बल ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम की याचिका को CJI के सामने मेंशन किया और जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर CJI ने कहा कि वो अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन वर्क लोड भी देखना होगा। अब उस केस की लिस्टिंग गुरुवार के लिए हुई है, खुद CJI इस मामले को देखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।